Tejaswini, आपकी पहली फिल्म पांच और दो साल का वेट, how was it? पूरा दो साल and sense of problems. शुरू में actually मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है क्योंकि I'm pretty new in this line, so I didn't know the significance of rejection of a particular film. So जब दूसरी बार reject हुआ तब that's when it set in, you know, my God, that it's rejected again. So I was very upset. मुझे बहुत दुख हुआ. पर थोड़ी देर के लिए I was really upset and I was pretty down and out. But then after some time, I got a hold of myself and I started doing various things. I was a model earlier, got back into modeling, and along with my sister, I've started a model school called the Model Shop, along with Talwalkars. So we've started that and been really busy with that. So it didn't really get to me as such. Poster mein dikhaya gaya. That's me, Joy, KK. Aditya, if you can see him, and Vijay. So we have five of us with our character names are Luke, Shuli, Pondi, Murgi and Joy. So paanch logon ke baare mein hamara group ka naam hai Parasites. Hum singers hain. Me and KK, we are the lead singers. We have a band and we're trying to get into the music industry. But hamare sare attempts फेल हो जाते हैं एंड देन वी गेट देर इज़ वन फ्रेंड ऑफ आज निखिल करके जिस हुज़ पंकज सारस्वत इन द फिल्म सो ही सजेस्ट टू लूक दैट्स के कि आई हैव एन आइडिया एंड के ग्रैब्स दैट आई वोंट टेल यू व्हाट इट इज़ बट इट्स अ क्राइम दैट वी गेट इनटू एंड दैट सिचुएशन इट जस्ट टर्न्स अराउंड इट दैट क्राइम जस्ट टर्न्स अराउंड और हम सब फंस जाते हैं उसमें तो उसमें जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं जो क्राइम करता है उन लोगों के जो मेंटल द मेंटल स्टेट द मेंटल ट्रॉमा फ्रस्ट्रेशंस दैट गो थ्रू एन इंडिविजुअल इज शोन प्लस ऑल आर अटेम्प्ट्स टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन सो इन द एंड हु सर्वाइव्स दैट्स द स्टोरी जब रोल प्ले कर रहे शैली का उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा किस टाइप का रोल है शूली एक टॉम्बॉयश किस्म की लड़की है जो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश लड़की है वो अपने बारे में ही सोचती है और वो अपने एम्बिशंस किसी भी हाल में पूरा करना चाहती है शी वॉन्ट्स टू बी रियली बिग इन लाइफ सो शी रोम्स अराउंड विथ ऑल दीज रिच बॉयज एंड यू नो शी इज़ ओनली विद दिस बैंड बिकॉज उसे मालूम है कि वो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं थोड़ा बहुत लोग पसंद करते हैं तो दैट्स वाई शी इज़ विद दिस ग्रुप सो दैट्स ऑल हर नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ इन रियलिटी ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ हर आई कुड रिलेट इज शी इज़ अ वेरी अग्रेसिव गर्ल एंड आई एम ऑल्सो टू एन एक्सटेंट एन अग्रेसिव पर्सन आई हैव टू शेड्स आई मीन अ लॉट ऑफ शेड्स इन मी सो वन ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट आई रिलेट टू I am an aggressive person myself. How was it working with all boys team? Like, aap akele ladki, char isme hero, director. Were you pampered? Yeah, how was it? The whole experience. I wasn't pampered, but I was very comfortable in the entire setup. With the entire setup, firstly because it's my brother-in-law's production under my sister's name, so. I was comfortable with the people, production people. And plus मैंने आपसे पता नहीं ऐसे हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने आपसे बताया आपको बताया कि मैंने थोड़ा थिएटर किया हुआ है तो वहाँ पर मैं पृथ्वी थिएटर जाती थी हमेशा वहाँ के हमेशा ही इज़ टू बी देयर के विजय पंकज अनुराग तो उनसे मैं पहले ही मिल चुकी थी और मैंने मकरंद के साथ एक प्ले भी किया था तो वहाँ पर इन लोगों के साथ काफ़ी क्या कहते हैं फ्रेंडशिप हमारी बढ़ी सो दैट्स हाउ इट वाज वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद ऑल ऑफ देम आई वाजंट पैम्पर्ड बाय द बॉयज बिकॉज आई वाज ट्रीटेड लाइक वन ऑफ देम सिंस द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग एज आई टोल्ड इज अ टॉमबॉयश काइंड ऑफ अ गर्ल सो दे शुड टॉक टू मी लाइक अनुराग इज टॉक टू मी की लाइक अ बॉय यू नो लाइक ही इज टॉकिंग टू अ बॉय सो टू गेट मी इन टू द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग जैसे अभी आपने बताया आपने थिएटर भी किया है टेलीविजन में सीरियल भी किया है एंड देन फिल्म
what is your first love and kya comfortable kis mein aap zyada comfortable hai ya kya aapko zyada pasand hai? My first love, because I've just got into acting. शुरू में मैंने मॉडलिंग की थी तो डूइंग फैशन शोज इज़ ब्रिलियंट एंड दैट विल रिमेन माय फर्स्ट लव. नाउ आई हैव गॉट इनटू एक्टिंग एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट. सो आई गेस दिस इज आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स आई माइट से दिस इज माय अल्टीमेट, यू नो, अल्टीमेट थिंग दैट आई वांट टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट डेफिनेटली आई वांट टू, आई एम वेरी वेरी excited about acting and I've been doing it. I did a TV series, so I'm pretty used to it and I really like it. I enjoy it thoroughly. Ab jab ye film release ko hai, what do you think, how will the audience take the film? Jaise naam se hai, thoda rock music and sab lag raha hai ki class ke liye bani hai film. So what do you think, how will the audience take this? ऑडियंस को मेरे ख्याल से पसंद आएगी क्योंकि काफ़ी हटके फिल्म है और आजकल इफ़ यू सी इट्स नॉट द टिपिकल हटके मूवीज दैट यू कीप हियरिंग अबाउट बट इट इज़ जेन्युइनली अ वेरी डिफरेंट फिल्म. समथिंग लाइक दिस आई डोंट थिंक एनी इंडियन पर्सन हैज़ सीन इट. सो इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई गेस इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्री में, फिल्मों में, अपने ज़िंदगी में, तो लोग को आई थिंक दे लाइक समथिंग डिफरेंट एंड चेंजेस इज़ वॉट दे आर लुकिंग एट. सो आई रियली होप एंड आई फील दैट इट विल बी अप्रिशिएटेड स्पेशली बाय द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड पीपल हु लव रॉक म्यूजिक एंड हुव बीन इन अ रॉक बैंड और कॉलेज हॉस्टल्स. सो आई थिंक दे रियली लाइक द फिल्म, रियली रियली रिलेट टू द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ. एंड ऑल्सो इट इज़ लाइक अ सोशल मैसेज. सो इवन इफ यू नो, आई मीन इफ द पेरेंट्स वॉच इट अलॉन्ग विद देयर किड्स, दे विल नो दैट, यू नो, आई मीन इफ थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन, सो दे नो वॉट्स गोइंग रॉन्ग एंड यू नो हाउ दे शुड ओवरकम एंड दे शुडंट डू वॉट वी आर डूइंग. बिकॉज इन एनी केस it's been portrayed in such a pathetic manner, the mental trauma what I'm talking about. I don't think anybody would want to do something like what we've done in the film. So that's like a social message in the film. So till what exactly, sister, film industry mein kaafi samay se hai, till what extent wo aapke decisions mein aapko help karti hai ya script jaise abhi aap bata rahe ho aur film kar rahe hain ji, kis had tak wo aapke professional life mein aapke वो एक्चुअली ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती मेरे प्रोफेशनल लाइफ में. वो हमेशा अगर कोई भी स्क्रिप्ट लेकर या नरेशंस या जो भी होते हैं, शी इज़ देयर. आई मेक हर एक्चुअली अभी रिसेंटली आई हैव बीन मेकिंग हर सिट अलोंग विथ मी एंड हियरिंग द नरेशन. सो आई गेट यू नो फीडबैक, ऑल्दो द डिसीजन इज एंटायरली माइन. सो शी डजंट रियली इंटरफेयर, शी जस्ट टेल्स मी, आई मीन इफ यू फील दैट यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, गो अहेड एंड डू इट. Paanch was entirely my decision. Paanch was, I don't think I even asked anybody that, you know, I didn't even tell anyone that, okay, I'm doing a film like Paanch and, you know,